आज आपको अयोध्या नगरी की कुछ खास बातें बताने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या कुश ने भी संभाली थी अयोध्या की राजगद्दी? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अयोध्या नगरी से जुड़ी खास बातें। वाल्मीकि रामायण के पांचवें सर्ग के बालकांड में अयोध्या का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या मंदिर और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। यहाँ के प्रसिद्ध सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट भी हैं, जिसमें गुप्त द्वार घाट, कैई घाट, कौशल्या घाट, पपमोचन घाट, लक्ष्मण घाट आदि हैं। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि कहा जाता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष भी हुए। जैन मत अनुसार अयोध्या में ही आदिनाथ समेत 5 तीर्थकारों का भी जन्म हुआ था। 12वीं सदी के आसपास अयोध्या में बड़े पैमाने पर सूफी संतों के भी रहने का प्रमाण मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के समाधि लेने के बाद त्रेतायुग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। तब श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। कुश द्वारा अयोध्या का पुनर्निर्माण कराने के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व बरकरार रहा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। इसके बाद अयोध्या मौर्य से लेकर गुप्त, कन्नौज, मुगल शासकों के अधीन रही। 1528 में बाबर के सेनापति मीरबक्की ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद भी अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद नहीं थमा और कई आंदोलन व सांप्रदायिक दंगे हुए। मामला कोर्ट पहुंचा और लंबी लड़ाई के बाद फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में आया। अब एक बार फिर से पवित्र और धार्मिक नगरी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसमें रामलला विराजे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की गई। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।